साथियों, आज कच्छ और सौराष्ट्र के उन क्षेत्रों में भी मां नर्मदा की कृपा हो रही है जहां कभी कई कई हफ्तों तक पानी नहीं पहुंच पाता था। गुजरात में दशकों पहले के वो दिन भी जब पानी की लड़ाई में गोलियां तक चलती थी, बेटियों बहनों को पीने के पानी के इंतजाम के लिए पांच पांच दस दस किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। गर्मी शुरू होते ही सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के लोग अपने अपने पशुधन को लेकर सैकड़ों किलोमीटर जहां पानी की संभावना होती थी वहां पर वो घर गांव खेत खलिहान छोड़ करके चले जाने के लिए मजबूर हुआ करते थे। मुझे याद है साल 2000 की इतनी भयंकर गर्मियों में ये हालत हो गई थी कि राजकोट सुरेंद्रनगर जामनगर पानी पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान में पहली बार पानी के लिए स्पेशल वाटर ट्रेन चलाने की नौबत आई थी। साथियों, आज जब उन पुराने दिनों को याद करते हैं तो लगता है कि गुजरात आज कितना आगे निकल आया है। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको खुशी होती है? आपने जब मुझे यहां का दायित्व दिया तब हमारे सामने दोहरी चुनौती थी, सिंचाई के लिए पीने के लिए बिजली के लिए डैम के काम को तेज करना था, दूसरी तरफ नर्मदा कैनाल के नेटवर्क को और वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था को भी बढ़ाना था। आप सोचिए, साल 2001 तक मुख्य नहर का काम सिर्फ 150 किलोमीटर तक ही हो पाया था। सिंचाई व्यवस्था और नहरों का जाल अधूरा अधूरा बिखरा हुआ लटका पड़ा हुआ था। लेकिन आप सभी ने, गुजरात के लोगों ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। सिंचाई की व्यापक नेटवर्क गुजरात हो गया। बीते 17-18 सालों में लगभग दो गुनी जमीन को सिंचाई के दायरे में लाया गया है।